आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक चैप्टर कैलकुलस के ऊपर बात करेंगे, और कैलकुलस में हम लोग देखेंगे कि जो है ये हम लोगों के डिफेंस के लिए, डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं जैसे एनडीए का हो गया और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो गया, उसमें जो है कैलकुलस का क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा कि जो कैलकुलस का मेजर पोर्शन है वो 30-35% कवर करता है मैथमेटिक्स में, और ये जो है बेसिकली मैथ की जो है ये बैकबोन है कैलकुलस। और कैलकुलस में स्टार्टिंग जो होता है, जैसे हम लोग बात करें कि फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, और फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन से हमारे कर्व हैं वो फंक्शन हैं, कौन से कर्व हमारे फंक्शन नहीं है, फिर कंटिन्यूटी को देखते हैं कि कौन सा हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उसकी डिफ्रेंशिबिलिटी क्या है, उसका जो है स्लोप क्या है, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, ये सारी बातें हम लोग कैलकुलस में करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो कैलकुलस होता है वो दो पार्ट में है, जैसे कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस है और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व के ऊपर बात करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिफेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक्स ग्रुप और एनडीए में आए हुए प्रॉब्लम हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम उठाते हैं कि जो कि डोमेन एंड रेंज का है, फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात की गई है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस फोर डिफाइंस अ फंक्शन ऑफ आर, देन व्हाट इज इट्स डोमेन, और इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जब भी फंक्शन होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन कही जाती है और जो y की वैल्यू होती है वो रेंज कही जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन अपन एक्स माइनस फोर जो है, यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जिससे कि फंक्शन को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एफ एक्स लिखा गया है, पहले पार्ट का जो सोल्यूशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, तो यहाँ पर एक्स कैन नेवर बी फोर, एक्स कभी भी फोर नहीं हो सकता, बिकॉज जिस दिन एक्स फोर होगा, एक्स के फोर होने से एफ एक्स जो होगा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया है, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आई है वो है रूट एक्स माइनस वन। फंक्शन को प्रॉब्लम उस समय होती है जब फंक्शन रूट के अंदर हो, एक्स रूट के अंदर हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स की वैल्यू जो है रूट के अंदर अगर निगेटिव आने लगेगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। इट मीन्स अगर इस फंक्शन को हमें रखना है, मेंटेन रखना है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स माइनस वन रूट के अंदर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इस तरीके से आ जाए कि रूट जो है नीचे की तरफ आ गया, तो हम लोग ये इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाएंगे। अभी चूंकि न्यूमरेटर में आया हुआ है इसलिए एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो की बात करेंगे, और यहां से निकल के आएगा x greater than or equals to 1, और यहां से आ रहा है कि x is not equals to 4, means x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है। ये और ये दोनों चीजें हमारा एंड से एसोसिएट है, means इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी उसे हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो यहां पर नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे x is greater than 1, 1 यहां पर है और यहां पर 4 है जिसे कि हमें अडॉप्ट नहीं करना है। तो 1 से बड़ा नंबर जो होगा आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें 4 पर लिमिट को ब्रेक करनी होगी। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर कि जो आंसर हम लोग का आने वाला है वो क्या है, 1 पे यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा, मींस x बिलोंग्स टू 1 टू 4, और 4 पे लिमिट को ब्रेक करना है इसलिए ओपन इंटरवल यूनियन 4 4 टू इंफिनिटी। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 4, 1 पे क्लोज इंटरवल, 4 पे ओपन इंटरवल यूनियन 4 पे ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी पे हमेशा जो होता है वो ओपन इंटरवल। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रखा है आपका माइनस इन्फिनिटी कामा 4 यूनियन 4 कामा इन्फिनिटी, और ऑप्शन बी है 4 कामा इन्फिनिटी एंड ऑप्शन सी 1, 4 यूनियन 4 कामा इन्फिनिटी, और ऑप्शन डी 1, 4 यूनियन 4 कामा इन्फिनिटी। तो आप शायद देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहाँ पर 1 को इंक्लूड किया गया है लेकिन 4 के ऊपर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मीन्स 4 की लिमिट को हम लोगों ने क्या किया है, इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात कर सकते हैं कि डोमेन जो है किस तरीके से फंक्शन को हम निकालेंगे, मीन्स x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन कही जाती है। और याद रखिए यहाँ पर कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वजह से इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, फंक्शन का मतलब ये होता है, फंक्शन के डोमेन का मतलब ये होता है द रियल वैल्यू ऑफ x, एट लीस्ट द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एंड रियल। x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो और रियल हो, वो सारी की सारी वैल्यू जो है डोमेन कही जाती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन वन लेते हैं तो ये फंक्शन हमारा जो है मेंटेन रहेगा, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर x इज इक्वल्स टू लेस देन वन अगर हम ले लेते हैं तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर निगेटिव आने की वजह से ये एक इमेजनरी नंबर हो जाएगा, और ये इमेजनरी नंबर आने की वजह से इसमें इस फंक्शन को रियल नहीं रह जाएगा, जो कि डिफिनीशन ऑफ डोमेन ऑफ
फंक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन वन की बात करेंगे। दूसरी चीज, अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो उसमें वन से इन्फिनिटी तक जा सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस फोर आने की वजह से एक्स की वैल्यू जिस दिन फोर हो जाएगी उस दिन ये जो है फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमें फोर पर जो है लिमिट को ब्रेक करना होगा। एक्स की वैल्यू हम फोर नहीं लेंगे, इसलिए वन पे क्लोज इंटरवल और फोर पर ओपन इंटरवल आया हुआ है, और इस तरीके से हम वन से इन्फिनिटी तक जाएंगे जिसमें फोर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मैच करेगा, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स अपॉन फाइव एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड टू अपॉन फिफ्टी इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन विच आर करेक्ट। और ऑप्शन आपका क्या है कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स एट एवरी एक्स, एंड सी ऑप्शन है इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, एंड डी ऑप्शन है इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। मीन्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा फंक्शन है जो डिफाइंड किया गया है एफ एक्स, वो है साइन टू एक्स अपॉन फाइव एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड टू अपॉन फिफ्टीन वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है इसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो हमें एक चीज़ देखना होगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होता है। तो फंक्शन के कंटिन्यूअस के लिए आप एक चीज़ जान लीजिए, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर हमें यह देखना होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पर उसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ ए के अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिस बात पे मना किया गया है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है। एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये होता है आइदर एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज एक्स इक्वल्स टू जीरो पर फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। और यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि भाई x ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, दोनों के लिए चाहे LHL हो या RHL, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों ही केस में फंक्शन हमारा एक है, इसलिए हमें बार बार लिमिट को जो है LHL और RHL लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इस पॉइंट पर हम लिमिट को रखेंगे और ये चेक करेंगे इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि x = 0 पर कितनी लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो यहां पे हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 5x। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन 2x अपॉन 5x यहाँ पे रखा जाए तो साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 का स्ट्रक्चर आ रहा है, मीन्स ये एक इनडिटर्मिनेट स्टेप है। और इनडिटर्मिनेट स्टेप के केस में हमें क्या करना होगा कि इसे जो है बनाना होगा कि इसकी वैल्यू जो है या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दें या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपन 5 को यहीं पे छोड़ते हैं और यहाँ पे हम लोग कर ले 2x। अगर हमने यहाँ पर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे अब हम लोग देख पाएंगे कि ये सेल दिखा हुआ है 2/5 बाहर की तरफ निकाल लें और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया साइन 2x अपन 2x। मीन्स यहाँ पर 0/0 का स्ट्रक्चर आ रहा है और साइन समथिंग अपॉन समथिंग का स्ट्रक्चर है, इस पूरे लिमिट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1, मीन्स कितना हो गया ये 2/5। लिमिट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 2/5, लेकिन आंसर में आपका कितना दिया हुआ है, 2 जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो कितना है, 2/15। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ ऑफ 0 जो है वो कितना है, 2/15। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है या नहीं है। तो शायद हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा जो है एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो शायद इसमें जो ऑप्शन आपका होगा कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखा आपने कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी को लेकर बात की गई है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर की बात करेगा कि एवरीवेयर पे कंटिन्यूअस है या किसी और पॉइंट पे है। तो एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, इसमें हमेशा एक
ट्रिक के माध्यम से नोट कर लीजिए कि जिस पॉइंट पे मना किया जाए, अगर LHL और RHL की वैल्यू है, अगर स्विच ओवर फंक्शन है, मीन्स फंक्शन हमारा जंप कर रहा है, जैसे कि अगर x लेस देन a और b होता और बाद में x ग्रेटर देन b हो जाता, तो ऐसे केस में जिस पॉइंट पर ये जंप कर रहा होता उस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं लिमिट, और LHL और RHL के रास्ते से होके जाते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर मना किया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू a या x इज नॉट इक्वल टू एनी नंबर लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन x इज नॉट इक्वल टू 0, देन आप हमेशा जो है जिस पॉइंट पे मना किया जाए उसी पॉइंट पे आप लिमिट निकालिए, LHL और RHL के रास्ते से होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0 के रास्ते हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि भाई डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकाला और इसकी वैल्यू जो आ रही है 0/0 का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो हमने प्रॉपर्टी लगा के यहां पे सॉल्व किया और देखा कि साइन समथिंग अपॉन समथिंग का स्ट्रक्चर है, 2x अगर यहां है तो 2x हमें यहां भी लाना होगा, और इसे जैसे ही हमने बनाया 2 से हम नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर करना पड़ा बैलेंस करने के लिए, और साइन 2x अपॉन 2x की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, तो आंसर आ रहा है 2/5, जबकि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो कितना आ रहा है 2/15 जो गिवेन है, ये वैल्यू आपका गिवेन है x इक्वल्स टू 0 पर, ये गिवेन है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू समथिंग पे, अगर fx की वैल्यू उस वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग मना कर देंगे, बोलेंगे फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो x इक्वल टू 0 है उस पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और एक बात और याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से कि जिस पॉइंट पे वो मना किया जाता है या जिस पॉइंट पे हमारा स्विच ओवर पॉइंट होता है, हमेशा उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा डाउटफुल पॉइंट होता है। डाउटफुल पॉइंट होने का मतलब यह है कि फंक्शन मे आर मे नॉट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए अभी हमने देखा कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस आ गया, ठीक है, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया आपसे कि इफ fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस एफ 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं यहां पर fx कितना गिवन है, fx इज इक्वल्स टू है रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट कितना फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस एफ 1 अपॉन x माइनस 1। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, fx की वैल्यू यहां पर रखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ 1। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें f1 मीन्स x की जगह 1 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा f1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 1 और आंसर हो गया 24। यहाँ पर f1 की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो ये तो हमने f1 निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर हमें रखना होगा, इसकी वैल्यू आ गई 24 अपॉन x माइनस 1। और अगर अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं लिमिट में तो शायद आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 रखने पे ये हो जाएगा 25 माइनस 1 24 माइनस 24 ऊपर आ गया कितना 0, और नीचे भी अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये भी कितना आ गया 1 माइनस 1 0। यहाँ पर फिर से ये इनडिटर्मिनेट स्टेप आ गया, मीन्स हमारा फंक्शन कैसा है ये 0/0 का स्ट्रक्चर आने की वजह से फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट स्टेप है, ये लिमिट के कैसे फॉर्म है इनडिटर्मिनेट स्टेप है, और इनडिटर्मिनेट स्टेप के केस में इनडिटर्मिनेट स्टेप के केस में हम लोग जो है क्या करते हैं प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और प्रोसेस क्या होगा आपको बता दूं कि जब भी ये फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट आता है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा फंक्शन है कि किसकी वजह से ये इनडिटर्मिनेट स्टेप पे आया है। जब भी इनडिटर्मिनेट स्टेप आए तो कभी भी आप आंसर नहीं बताएं कि ये 0/0 का स्ट्रक्चर कि 0 हो जाएगा, या कोई बोल दे कि 0/0 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, या किसी नंबर को हमने 0 से डिवाइड कर दिया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, या 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब भी लिमिट का प्रॉब्लम इस तरीके से आए 0/0 के स्ट्रक्चर में तो आप बोलिए कि ये फॉर्म है इनडिटर्मिनेट स्टेप, और इनडिटर्मिनेट स्टेप पे कभी भी हम लिमिट की वैल्यू नहीं बताते हैं, और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और वो प्रोसेस क्या हो सकता है उसके बारे में आप लोग सुन लीजिए, प्रोसेस टू बी अप्लाई। और वो प्रोसेस ये हो सकता है कि जब भी 0/0 का स्ट्रक्चर होगा तो ट्रिक आपका ये है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, दूसरा ट्रिक आपके पास ये है कि आप पता करें कि किस वजह से फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट स्टेप का रूप लिया है, जैसे कि हो सकता है कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर हो, अगर कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर को इलिमिनेट करेंगे, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई कहीं वो इरेशनल फंक्शन तो नहीं है, इरेशनल का मतलब कि उसके ऊपर कहीं रूट वगैरह भी नहीं आ रहा, अगर इरेशनल है तो उसे
रेशनलाइज करेंगे, या आप देखेंगे कि किसी फंक्शन का एक्सपेंशन तो नहीं है, लाइक साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में बात करेंगे। अगर साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में बात करें, अगर वो हमारा एक्सपेंडेबल साइन एक्स एक्सपेंडेबल फंक्शन होता है उसका एक्सपेंशन रख देंगे। लेकिन सबसे बेटर तरीका जो होगा वो क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल का होगा। और एल हॉस्पिटल रूल 0/0 का आया तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ऊपर वाले को रूट को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 √25 − x², देन 25 − x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 25 की वजह से हो गया 0 और x स्क्वायर की वजह से हो गया 2x, और इसका 24 का हो गया 0 अपान x का डिफ्रेंशिएट किया हो गया 1। अब फिर से x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलने वाला हम लोगों को, यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1 रखने पे ऊपर वाला हो गया −2 × 1 अपान ये हो जाएगा 2 √25 − 1, तो ये हो जाएगा −2 / 2 √24, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा −1 √24। तो आंसर आपका मैच करने लगेगा −1 √24। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है जो कि दिया हुआ है −1 √24। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई कि अगर इनडिटरमिनेट का कोई भी स्टेप हो, जैसे इस क्वेश्चन को दूसरे माध्यम से भी हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 − x² − √24 है तो हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते थे, √25 − x² + √24 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तब भी आंसर आ जाता। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है कौन सा, इसमें लगाया गया है एल हॉस्पिटल इसमें लगाया गया है, और एल हॉस्पिटल से हम लोग इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू 10 − 5 − 2 √x / 2 + 5 √x, और इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है एक्चुअली है इस क्वेश्चन के लिए dy/dx, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि इसका dy/dx क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि y इक्वल्स टू 10 इनवर्स अगर अंदर जो भी चीज़ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये ज़रूरत होगी कि सबसे पहले बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्म बनना हो, लाइक साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, एनी थिंग्स, अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो उस केस में हम लोग अंदर की चीज़ को उसी का फार्मूला बनाते हैं। जैसे बाहर अगर आया है टेन इनवर्स तो अंदर वाली चीज़ पक्का है इस बात का कि वो अपने आप में टेन का कोई एक फार्मूला बना रहा होगा, टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी या एनी थिंग्स कुछ भी ऐसा बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इफ़ वाई इज इक्वल्स टू 10 − 5 − 2 √x / 2 + 5 √x, ओके, और देन आपको बताना है dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो dy/dx के ऊपर बात करेंगे हम लोग। इसका जब भी हम dy/dx निकालेंगे तो आपने देखा कि 10 इनवर्स आगे आया हुआ, 10 इनवर्स अंदर जो भी चीज़ है इसका क्या बनने वाला है कि ये अंदर जो है a प्लस बी या a माइनस बी या टेन टू ए का फार्मूला वगैरह बनने वाला है। तो हम लोग इसको बनाए कैसे, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अगर यहां माना जाता कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस, तो सबसे पहले यहां जो आता है 1 आना चाहिए, अब 1 नहीं है 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से नीचे ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख पाएंगे 5/2 − 10 √x / 1 + 5/2 √x, ओके, इस तरीके से। और इस क्वेश्चन में अगर हम ये लेट कर लें कि लेट 5/2 = 10a है, ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 5/2 को हमने क्या ले लिया, 10a − 10 √x / 1 + ये हो जाएगा आपका 10a × 10 √x, ठीक है। और यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हैं कि फार्मूला क्या बन गया, 10a − 10b / 1 + 10a × 10b, फार्मूला किसका होता है 10a − 10b का। तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10a की जगह 10 ये तो रहेगा ही, बाहर लिखेंगे 10a और b की जगह कितना है √x, तो 10a − √x। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है 10 inverse 10θ = θ, अगर आप ये नोट कर लें कि जो फार्मूला होता है क्या होता है 10 inverse 10θ = θ, तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे 10 inverse 10θ की जगह पूरा क्या लिखा गया है a − √x, तो ये लिखा क्या गया है y = a − √x, और a है क्या अपने आप में 5/2, 10a 5/2 है तो a हो जाएगा 10 inverse 5/2, a = हो जाएगा 10 inverse 5/2, तो इसके जगह लिखेंगे y = 10 inverse
फाइव बाई टू माइनस रूट एक्स, ये आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, और जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आ जाती है, तो रूट एक्स का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से वाई डैश क्या मिलेगा, वाई डैश या इसी को बोलते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट का हो गया जीरो माइनस रूट एक्स का कितना हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स। यहाँ से आंसर देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन ए दे रखा है माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी माइनस वन एंड ऑप्शन डी वन अपॉन टू रूट एक्स, तो इसका आंसर जो मैच कर गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स। तो हमेशा इसका ट्रिक क्या आप याद रखेंगे कि बाहर जो भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कोई भी इनवर्स सिक्स ट्रिग्नोमेट्री में से कोई भी आए, अंदर जो चीज आ रहा है अंदर उसी का हमें फार्मूला, टेन आया तो टेन का कोई फार्मूला बनाना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, साइन होता तो साइन इनवर्स का फार्मूला, साइन इनवर्स होता साइन का फार्मूला, कॉस इनवर्स होता कॉस का फार्मूला बना रहे होते हैं और ऑटोमेटिक हम इनवर्स से बाहर आ जाते हैं, देन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे कि ये डायरेक्टली जो है इसको इसमें जो है चेन रूल लगा के करेंगे, पहले टेन इनवर्स का करेंगे देन अंदर का करेंगे फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लगाएंगे कोसेंट रूल, वो तरीका नहीं है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा आपका, बिल्कुल ये सॉल्व करने का, और आप बिल्कुल यही शॉर्टकट समझिए या यही मेन तरीका है, चेन रूल नहीं अप्लाई करिएगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बेटर है कि आप इस तरीके से इसको फॉलो करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा, इसकी लिमिट हमें बतानी है कि इसका लिमिट का आंसर क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन रूट टू, दूसरा टू रूट टू, तीसरा वन अपॉन रूट टू, और चौथा है आपका वन अपॉन टू रूट टू। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा, इसके बारे में हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए x इक्वल्स टू जीरो जैसे ही आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कास जीरो की वैल्यू होती है वन, और थीटा इज इक्वल्स टू जीरो रखा तो ये हो गया वन माइनस वन जीरो, ऊपर जीरो नीचे जीरो, आंसर हो गया जीरो अपॉन जीरो, और जीरो अपॉन जीरो का स्ट्रक्चर आया, तो हमें जो है क्या करना होगा, प्रोसेस टू बी अप्लाई, पहला ये हमारा जो तरीका है कि प्रोसेस टू बी अप्लाई, और प्रोसेस क्या होगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए जब भी आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में कहीं पर भी अगर वन के साथ कास आया है वो प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा आप एक काम करिए वन को इलिमिनेट करने का, वन को इलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, या मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, आप कास के डबल एंगल का फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कास टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या दूसरा फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या अगला फार्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके आप वन को इलिमिनेट करेंगे, और देख रहे हैं वन किसके किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो दो फार्मूलों में वन है, टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसका फार्मूला इस फार्मूले का यूज करके हम वन को इलिमिनेट करेंगे। एक बात और, अगर यहाँ एंगल डबल है, यहाँ देखेंगे टू थीटा है तो यहाँ थीटा आया, अगर यहाँ फोर थीटा होता तो यहाँ टू थीटा आता, तो कहने का मतलब ये फार्मूला हम लोग जनरलाइज वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर अगर टू का मल्टीपल आया या यहाँ पर कोई भी एंगल है उसका जस्ट हाफ आएगा, ओके। तो आइए आगे इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला कास वाले का लगाएंगे। तो अगर हमें वन को इलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस, अब कास थीटा है, फार्मूला अगर चेंज करेंगे तो उसका जस्ट हाफ एंगल, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान थीटा, और आंसर कितना होगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट ओपन करेंगे वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ओके वन से वन कट गया और यहाँ से आ गया थीटा, अब ये कितना हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए रूट बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट टू, और ये साइन स्क्वायर थीटा पे रूट लगा हुआ तो कितना बना देगा इसको साइन थीटा बाई टू अपान थीटा। फिर से आप देखेंगे कि ये एक्चुअली ये एक्स थीटा का है, एक्स मतलब थीटा के ऊपर लिमिट चल रहा है, थीटा टेंड्स टू जीरो है, ठीक है,
थीटा टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, कि यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे ये जीरो और ये जीरो, लेकिन यहाँ का जो समथिंग है थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा बाई टू है लेकिन यहाँ थीटा है, तो मुझे इसे बनाने के लिए बाई टू करना पड़ेगा, इंटू टू करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि थीटा टेंड्स टू जीरो अगर है तो इसका आंसर पूरे का कितना आने वाला है, वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई टू अपन थीटा बाई टू कितना हो गया, वन। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, रूट टू बाई टू मीन्स वन अपन रूट टू। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सी ऑप्शन क्या दे रखा है, वन अपान रूट टू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, वन अपान रूट टू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ टू टू एट मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव डीएक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना होगा कि इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम आया और ये है इंटीग्रल कैलकुलस का मॉड ऑफ x माइनस फाइव टू टू एट डी एक्स। आप समझ लीजिए मॉड जो होता है अपने आप में नॉट डिफ्रेंसिबल होता है, कहाँ पर, जिस पॉइंट पर अंदर की चीज़ जीरो हो जाती है, जैसे x इक्वल्स टू फाइव इसमें अगर रखा जाए तो फाइव पे जीरो हो जाएगा, यानी इस लिमिट को हमें कहाँ पे ब्रेक करना होगा। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक काम करेंगे कि जिस पॉइंट पे अंदर की चीज़ जीरो हो जाए उस पॉइंट पे हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। टू टू एट चल रहे हैं हम लोग, लिमिट में कहाँ से चल रहे हैं, ये किसकी वैल्यू होती है, x इक्वल्स टू टू से लेके x इक्वल्स टू एट तक चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे देख रहे हैं जब टू से एट की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में फाइव पड़ेगा, यानी फाइव पर हमें लिमिट को ब्रेक करना होगा। और मॉड के डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, मॉड x जो होता है वो अपने आप में प्लस x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो होता है, और ये माइनस x होता है जब x लेस देन जीरो होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये मॉड x माइनस फाइव के बारे में बात किया जाए तो ये अपने आप में क्या होगा, ये x माइनस फाइव होगा जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू फाइव होगा, और ये माइनस ऑफ x माइनस फाइव होगा जब x लेस देन फाइव होगा। इसलिए हमें इस लिमिट को ब्रेक करना होगा 2 से 8 के बीच में। तो आगे चलते हैं हम लोग, शायद देख पाएंगे कि ये जब 2 से 8 चल रहा है तो हमें 2 से लेके 5 के ऊपर ट्रिक क्या है इसका, जिस पॉइंट पे अंदर की चीज़ जीरो पुट करिए, x माइनस फाइव जीरो होगा और x इक्वल्स टू कितना आ गया फाइव, यानी पाँच पर हमें लिमिट को ब्रेक करना होगा, और फाइव पे जैसे हम लिमिट को ब्रेक करेंगे टू टू फाइव मॉड x माइनस फाइव प्लस ये dx हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 टू 8 और ये हो गया मॉड x माइनस फाइव dx। और शायद आप इस डिस्क्रिप्शन का, मॉड के डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं कि व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5 होगा उस केस में मॉड हमारा कैसा लिखा जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा x माइनस फाइव, लेकिन अगर लेस देन 5 है तो x माइनस फाइव। 2 से 5 के केस में 5 से छोटा है इसलिए ये अपने आप में क्या लिखा जाएगा, 2 टू 5, और ये हो जाएगा अपने आप में कितना, माइनस x माइनस फाइव, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिखा क्या गया है, 5 माइनस x dx प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एज इट इज ओपन होगा x माइनस फाइव फाइव टू एट डी एक्स। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, आइए ऊपर यहां रफ करके कर देते हैं इस चीज को, और यहां से हम लोग देखेंगे टू टू फाइव फाइव माइनस एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे, टू टू फाइव फाइव माइनस एक्स डी एक्स प्लस फाइव टू एट फाइव टू एट x माइनस फाइव डी एक्स, और यहाँ पर 5 का कितना हो जाएगा, 5x माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू, लिमिट कितनी है इसकी, 2 टू 5 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू माइनस 5x, और इसकी लिमिट जो हो गई वो कितनी हो गई, 5 टू 8। नाउ अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25 माइनस ये हो गया कितना, 25 बाई टू, ठीक है, यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना होगा, 5 टू जो 10 माइनस 2 टू जो 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस इसके ऊपर हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 अपॉन 2 ये हो जाएगा 32 माइनस 5 8 जा 40 माइनस, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5 5 जो 25 बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आने वाली है, यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 25 बाई 2 दैट इज योर 25 बाई 2 माइनस 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 32 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस 25 बाई 2 आगे माइनस लगा हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का 25 बाई 2, ठीक है।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखेंगे प्लस 25 बाई टू, 25 बाई टू तो कितना हो जाएगा 25, माइनस 88 कितना हो जाएगा 16, तो एक आंसर कितना आ जाएगा इसका 9। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पे आंसर आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 9, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आपके पास आए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक आपका यही होता है कि मॉड के अंदर की चीज़ को हम उठा के जीरो पुट कर देंगे और लिमिट में अगर वो वैल्यू आ रही है, लिमिट में अगर ये वैल्यू कंसीडरिंग है 2 to 8 के रास्ते में चलते वक्त, जैसे अगर पुट करने पे 5 आया तो 5 रास्ते में, इसलिए हमें रास्ते पर ब्रेक करना पड़ेगा, 2 से लेके 5 चलना पड़ेगा और 5 से लेके 2। और अभी जैसा कि मैंने मार्ट के डिस्क्रिप्शन में बताया कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x अपने आप में x जैसा ओपन होता है, लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x अपने आप में कैसा होता है, x माइनस x जैसा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका जिसका आंसर आ रहा है 9। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें ये भी इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम है और क्वेश्चन आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस इंटीग्रेशन को, और ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि लिमिट इसको प्रोवाइड नहीं कर रखी है, मीन्स इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया साइन टू दी पावर 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम साइन एक्स को टी मानते हैं, साइन एक्स को क्या माना जाए, टी माना जाए, लेट कर लें इसमें, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम लोग ये अगर आई है तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं, डी टी। ओके, और साइन क्यूब एक्स यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया आई, साइन एक्स को टी माना गया तो ये हो गया कितना टी क्यू, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह हो गया डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आई का तो कितना हो जाएगा टी इज टू द पावर 4/4, और टी की वैल्यू को वापस हम पुट कर दें तो आई इक्वल टू कितना हो गया, टी की वैल्यू कितनी होती है वापस रख दें यहाँ पर, साइन एक्स होल पावर 4/4। अब आप ऑप्शन पे जाके चेक करेंगे कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो शायद आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है साइन टू द पावर 4x प्लस सी, लेकिन नीचे का 4 गायब है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ऑप्शन सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोसेस अप्लाई करिए और ऑप्शन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस साइन टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 4, और इस साइन स्क्वायर को हम लोग बदल दें तो लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपान 4। तो अब देखिए अब ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो शायद और इसमें एक कॉन्स्टेंट भी ऐड आप करेंगे, कॉन्स्टेंट जैसे ही आप ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपान 4 प्लस सी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपान 4 प्लस सी। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन जो है पहली बार में नहीं मैच कर रहा था, और शायद हम लोग जो है साइन एक्स टू द पावर 4 जब आ जाता है तो हम बी ऑप्शन लगा के चले आते हैं जो कि गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि नीचे भी 4 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस तरीके से यूज करेंगे पावर 4 को स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और बाद में साइन स्क्वायर को हम जो है बदल देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो ये हमारा जो है आ जाएगा यहां से सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, और आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ ई इज टू द पावर ln 10x, ln मीन्स नेचुरल लॉग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू ई इज टू द पावर ln 10x, ठीक है, dx। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक लॉगरिथमिक का एक फार्मूला होता है, नोट करके ये बात आप लिख लीजिए, ई इज टू द पावर ln x अगर होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, x होती है। ये इसका जनरलाइज अगर हम फॉर्म बताएं तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ई इज टू द पावर ln fx के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा fx, मीन्स log e टू द पावर log अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है तो हम लोग इसकी वैल्यू को कितना लिख देंगे, fx लिख देंगे। यही नहीं, ये तो नेचुरल log है इसलिए इसका बेस यहाँ पर हमें पता है कि ये e होता है, लेकिन अगर a इज टू द पावर log बेस a और यहाँ पर x आ जाता तो भी इसका आंसर कितना लिखते हैं हम लोग, x लिखते हैं, a टू द पावर बेस a होना चाहिए, अगर बेस कुछ और है तो नहीं लिखेंगे वो, फिर प्रॉपर्टी ऑफ log लगा के चेंज करेंगे। या अगर यहाँ पर मान लीजिए a इज टू द पावर एनी थिंग्स log fx
टू द बेस ए आ जाता तो भी हम इसका आंसर क्या बोलते हैं कि ये एफ एक्स है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए लगेगा और इस फार्मूले का यूज करेंगे तो शायद हम लोग जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। ई टू द पावर एल एन टेन एक्स आया हुआ है और एल एन टेन एक्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, इस वाले फार्मूले से देखेंगे लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, टेन एक्स है, तो तुरंत हम लोग बोल देंगे कि प्रॉपर्टी लगा के क्या बोलेंगे कि ये एफ एक्स हो जाएगा, मीन्स टेन एक्स हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन हमें किसका निकालना है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन लिखा गया है दूसरे फॉर्म में। तो ये आई इक्वल्स टू बोला सकता कि ये एक्चुअली लिखा हुआ है टेन एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एल एन टेन एक्स में हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ टेन एक्स डी एक्स आएगा। और टेन एक्स के बारे में शायद आपको पता होगा कि इसका जो आंसर होता है, अगर नहीं पता तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और अगर आप इसमें कॉस एक्स को टी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स मिल जाएगा। जैसे लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस डी टी। तो इसको बदलेंगे अगर हम लोग तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लोग वैल्यू रख दें माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी अपान टी। वन अपान टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस तो लगेगा ही, ये होता है लॉग मॉड टी, ठीक है, लॉग मॉड टी। और वैल्यू बदल दें इसका, माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। माइनस अगर इसके ऊपर आएगा पावर में तो ये लिखा जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका, कि इसमें जो आप देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए एल एन पहला ऑप्शन है एल एन मॉड टेन एक्स प्लस सी, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बी एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी, हाँ ये मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका एल एन मॉड, ये लॉग बोलें या इसी को, यहाँ पे कुछ नहीं है बेस ई यूज किया जाता है तो इसको बोला सकता है एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मैच कर रहा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसके सोल्यूशन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपको शायद इसमें बताना है y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स। यहाँ पर बोला गया है वेयर ए वेयर पी एंड क्यू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पी एंड क्यू क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पी और क्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये लाई करता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच की चीज़ होती है। मींस एक क्वेश्चन के लिए, एक इक्वेशन के लिए इस वैल्यू पी और क्यू की जो वैल्यू होगी वो ये रहेगी, दूसरे क्वेश्चन के लिए पी और क्यू की वैल्यू बदल जाएगी, तो इसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कांस्टेंट आया हुआ है 2, 5, 3, तो चाहे हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करें या किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए यूज करें, हर जगह 2 की वैल्यू जो रहेगी वो 2 रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर पी आया है, पी की आज वैल्यू अगर 1 हो रही है तो किसी दूसरे इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ऐसे कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे कि क्या ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स में पी और क्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या नहीं है। तो हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर कहा गया होता तो बोल देता, ठीक है। तो हम बोलेंगे दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मींस अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशन दिया जाता है, उस रिलेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उस कांस्टेंट की मदद से हम लोग बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा 2 होगा, यानी इसे हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। दो बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बोला जाएगा वाई डैश, या इसी को बोला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कास का करेंगे माइनस साइन होता है और ए भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए पी साइन ए एक्स प्लस ए क्यू कॉस ए एक्स, ठीक है। नाउ अब हमें दोबारा भी डिफ्रेंशिएट करना है तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई डबल डैश, या इसी को बोलें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से हमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर पी और साइन का फिर से होगा तो क्या बन गया ये कॉस ए एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा क्योंकि कास का फिर से निगेटिव हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर क्यू साइन ए एक्स, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर कॉमन, ये हो गया पी कॉस ए एक्स माइन प्लस
क्यू साइन ए एक्स, ठीक है। और यहाँ से शायद आप देख पा रहे हैं कि पी कास ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स की वैल्यू कितनी है वाई, तो इस पूरे टोटल की जगह हम कितना लिख दें वाई लिख दें, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर वाई, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई डबल डैश प्लस ये इधर आएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, या यूँ कहें वाई डबल डैश की वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये हमारे पास रिलेशन दिया था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया, जिसमें ए आ रहा है। तो ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं था, पी और क्यू था, जो कि पी और क्यू से यहाँ पर ये फ्री है, इसलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ तो प्लस आया इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की तरफ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई दिया है वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई दिया है, प्लस तो दिया लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, मीन्स ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या बताना हम लोगों को, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस डी, और यहाँ पर ए बी सी और डी के बारे में बोला गया कि ये है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिलेशन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस डी। यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी और डी अपने आप में कैसे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका आर्डर पूछा गया कि इसका आर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि जब भी हमें आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना होता है तो आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नॉट द डिपेंडेंट, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर कि ये क्या हो जाएंगे, इसके आर्डर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग शायद देख पा रहे हैं ए क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बी सी और डी, क्या इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हम किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम डी से डिवाइड करेंगे तो इधर वाई आया हुआ है इसलिए वाई के पावर यहाँ पे वाई अपान आ जाएगा, जो कि हम डी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हुए हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं फोर, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया इसका फोर हो गया, चार आ गया इसका ऑर्डर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम एक अलग तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू और क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है सी वन प्लस सी टू ई टू द पावर एक्स प्लस ये आ गया आपका सी थ्री ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी फोर और प्लस सी फाइव, ठीक है। और यहाँ पे एक आ गया कि बताइए इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की इसमें जो है इसका आर्डर क्या होगा। तो शायद आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फाइव। तो यहाँ पर हम लोगों का जवाब जो होगा, अगर हम ऑर्डर इज इक्वल्स टू फाइव बोल देते हैं, ऑर्डर इक्वल्स टू फाइव, तो गलत होगा, ऑर्डर फाइव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑर्डर की बात की जा रही है, ऑर्डर के लिए बोला गया कि ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपस में डिपेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कम कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सी वन प्लस सी टू की जो वैल्यू है वो अपने आप में दो हमें दिख रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन उन्हें ऐड करने पर एक कांस्टेंट ही तो आएगा, तो यहाँ से एक कांस्टेंट बन गया। तो अगर देखा जाए वाई इक्वल्स टू के, सी वन प्लस सी टू को जगह हमने के ले लिया के ई टू द पावर एक्स प्लस यहाँ से सी थ्री ई टू द पावर माइनस एक्स इन टू ई टू द पावर प्लस सी फोर को ऐसा लिख दें ई टू द पावर सी फोर, या इसको पहले ऐसे लिखें सी थ्री ई टू द पावर सी फोर इन टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी फाइव। और अब आप देखेंगे कि ये दोनों मिलके एक कांस्टेंट बनाएंगे और ये कांस्टेंट अलग है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो कांस्टेंट आ रहा है यहाँ से y इक्वल्स टू के ई टू द पावर एक्स प्लस, इसको बोल दिया जाए अगर ये k1 है यूज़ कर लिया हमने, और इसको हम k2 नाम दे दें, k2 इंटू ये e टू द पावर x को अपान e टू द पावर x प्लस c5 बोल दें, तो हम देखेंगे कि हम इसको अगर यहाँ भेजते हैं तो हम इस c5 को कम नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारे पास k1
K2 और C5 कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो आर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 ना होकर इसका आर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आर्डर इसका कितना आ गया, 3। तो इस क्वेश्चन का आर्डर 3 हो गया, जिसमें हमें दिख तो रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 5 यूज किए गए हैं, लेकिन वास्तव में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 5 नहीं है, वो कितने हैं, 3 है, इसलिए इसका जो आर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है y इक्वल्स टू साइन LnX देन विच आर करेक्ट, और आपको यहाँ पे दे रखा है कि a e to the power x + b e to the power this एंड दिस, मैंने आपको एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखें y इक्वल्स टू क्या है, साइन LnX साइन LnX है, तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं इसको तो हो जाएगा वाई डैश, या इसी को बोले dy/dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये साइन का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा LnX, देन LnX का करेंगे तो हो जाएगा 1/x, और x का हो गया तो 1। और अब हम लोग क्या करें, इस x को इधर अगर भेज दें तो ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल्स टू कॉस LnX, और फिर से इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें तो यहाँ पे देखेंगे आप x इंटू dy/dx दो आया फंक्शन, यानी x अपने आप में एक फंक्शन है, dy/dx अपने आप में एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो है प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस dy/dx माने सेकेंड इंटू फर्स्ट का, ये हो गया कितना 1 इज इक्वल्स टू कास का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन LnX, और LnX का करेंगे फिर से 1/x, और इस x को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ये इधर आ जाएगा, तो इधर का बन गया x² d2y/dx² प्लस x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन LnX, और साइन LnX यहाँ पर क्या है y है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का y, तो ये हो गया x² d2y/dx² प्लस x dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और माइनस वाई को अगर इधर ले आए तो बन जाएगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम लोगों का देखिए आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी d2y/dx² इज इक्वल्स टू 0 नहीं, ऑप्शन नंबर सी x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, इसलिए इस जो क्वेश्चन का जो सलूशन हो जाएगा वो उसका आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि करेक्टली मैच कर रहा है। तो शायद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 times डिफ्रेंशिएट किया और आंसर हमारा जो है मैच कर गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताना है, लिमिट का प्रॉब्लम आया है, लिमिट के प्रॉब्लम में देखेंगे क्या दिया क्वेश्चन, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / sin 2x। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / sin 2x। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे tan 0 0 sin 0 0, आंसर क्या आ रहा है, 0/0 का स्ट्रक्चर आ रहा है, और 0/0 का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट क्या कहता है उसको थोड़ा सा आप देख लें, कि प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट के हिसाब से अगर हम चलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, लिमिट ब्रेक हो जाता है कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx) अगर लिखा गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x/ लिमिट x टेंड्स टू a gx, ऐसा लिख सकते हैं, इस लिमिट को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा sin 2x/. अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, अगर x से डिवाइड किया तो हमने बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहाँ पर 2x से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप शायद देख पा रहे होंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x की वैल्यू कितनी होती है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x / 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर x से x कटेगा और आपको सिर्फ ये हो जाएगा कितना 1 × 1/1 × 2, आंसर हो जाएगा 1/2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करा, पहला ऑप्शन दिया है 1/2, बी दिया है 1, सी 2 और डी दिया है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है जिसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट लगा के करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लिमिट ब्रेक हो जाएगी
न्यूमरेटर की लिमिट चलेगी, देन डिनोमिनेटर की चलेगी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर 10x था, ये साइन 2x था, तो हमें पता है कि ये फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन समथिंग अपॉन समथिंग, या साइन x अपॉन x, 10x अपॉन x की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 1, तो यहाँ पर x ऊपर था, x की कमी थी, तो हमने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई कर लिया, और इस क्वेश्चन इसमें इसके लिए हमने क्या किया डिनोमिनेटर के लिए, अब यहाँ 2x है तो रिक्वायरमेंट किसकी है, 2x की है, तो 2x से अगर डिवाइड करते हैं तो 2x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये फाइनली x x कट जाएंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से x से x कटने के बाद आंसर कितना आ गया 1/2, तो हम लोग इस तरीके से अपना सकते हैं। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे यहाँ पर कि x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, जब भी क्वेश्चन आपका tan sin में आए, साइन साइन में आए या टेन टेन में आए, हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को उठा के आप जवाब दे दीजिए कि यही इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स 1/2 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना भी सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिकली डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट उठाया, अगर किसके लिए है ट्रिक में क्या लिखेंगे इस चीज के लिए कि अगर क्वेश्चन आपका किसका है, या तो साइन बाई साइन का हो, साइन अपान मानी साइन ए एक्स अपान साइन बी एक्स का हो, या टेन ए एक्स टेन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स का हो, दोनों ही केस में आप हमेशा क्या करेंगे x का कोफिशिएंट a अपॉन b, आंसर क्या बताएंगे a अपॉन b, इससे आंसर आने वाला है a अपॉन b, यहाँ से इन दोनों का 10 अगर आया कोफिशिएंट a b, यहाँ से भी आंसर क्या आने वाला है a अपॉन b, तो चाहे प्रॉब्लम, या तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है आपका कि साइन और टेन का, जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइन ए एक्स अपॉन टेन बी एक्स अगर दिया हो तो भी आंसर आप क्या बोलेंगे यहाँ से डायरेक्टली a अपॉन b, ठीक है। बाकी और अगर किसी का आता है कास का आता है सिक का आता है तो नहीं बोलेंगे, साइन साइन का होगा टेन टेन का होगा या साइन और टेन का होगा तो ही हम आंसर इसका बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग के पास लिमिट का है, और क्वेश्चन आपका है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस बार लिमिट एच पे लगी हुई है एक्स पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि लिमिट फंक्शन जो दिया हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस अपॉन 2 माइनस h, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सॉल्व करें तो देख पाएंगे कि लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 0 और नीचे की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2 माइनस h, ठीक है। और यहाँ पे h इक्वल्स टू 0 जैसे रखेंगे यहाँ पर तो ये बना 2x माइनस 2x, ऊपर कितना आ गया 0 और नीचे अगर 2h देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 का स्ट्रक्चर आया हुआ है, इसलिए कैसा है इनडिटर्मिनेट स्टेप है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रूट लगने की वजह से कैसा फंक्शन आया हुआ है इरेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका जो होगा कि हम इस फंक्शन का क्या कर दें रेशनलाइजेशन कर दें। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन दो तरीके से, अगर न्यूमरेटर का कर रहे हैं तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन, जैसे यहाँ पर इरेशनल फंक्शन कहाँ पे आया न्यूमरेटर में आया तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में आता तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते, अगर दोनों में आता तो हम दोनों का रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेशनलाइजेशन अगर करें तो मिल जाएगा हमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3h माइनस, इसको रेशनलाइज करने के लिए अगर प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2x, तो इसका जस्ट जो कंजुगेट आएगा कौन आएगा 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x अपान, इसी से मल्टीप्लाई किया तो इधर नीचे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x इंटू 2h। अब आप देखेंगे ऊपर वाला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस 3h माइनस 2x अपान, और ये हो गया कितना रूट का 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x इंटू इंटू 2h। अब देखेंगे 2x से 2x कैंसिल आउट, और यहाँ पर 3h और 2h है तो h से h भी कैंसिल आउट, अब ये कितना आ गया 3/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 बाहर की तरफ इंटू 1 अपान रूट के अंदर 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x, और अब हम h इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो रूट 2x प्लस रूट 2x मिल के कितना बनाएंगे ये 3/2 इंटू 1 अपान 2 रूट 2x, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1 अपान रूट 2x। तो देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका,
थ्री बाई फोर, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, थ्री अपॉन फोर स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसका देखें कि ये जब भी फंक्शन हमारा जीरो बाई जीरो का आया, चूंकि इरेशनल था इसलिए हम लोग अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लें। इरेशनल फंक्शन है तो रेशनलाइजेशन कर लें। एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपका रूट का आया हुआ है, रूट का आप अगर जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, तो बेटर है कि आप जो है इसमें इसका रेशनलाइजेशन प्रोसेस से अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स देन डोमेन ऑफ द फंक्शन, और इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, मीन्स निगेटिव नंबर की बात की गई है, बी जीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर की बात की गई है, सी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कौन सा हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और डी आपका है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। दो ऑप्शन इसमें माइनस इन्फिनिटी टू जीरो दे रखे हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन है हम लोग के पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, ठीक है, मॉड एक्स माइनस एक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मॉड के बारे में अभी हमने बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो होता है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर एक्स लेस देन जीरो, एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स अपने आप में प्लस एक्स जैसा ओपन होगा, तो एफ एक्स क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा जो फंक्शन दिया हुआ है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, और x माइनस एक्स नीचे ये हो गया जीरो, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, मैंने x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन हमारा क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, एंड डी नॉट डिफाइंड है कब, जब x ग्रेटर देन जीरो है। तो x लेस देन जीरो की बात करेंगे हम लोग, x जीरो हो नहीं सकता क्योंकि x अगर जीरो होगा तो भी नॉट डिफाइंड होगा, तो x लेस देन जीरो की अगर हम बात करें तो x लेस देन जीरो के लिए मॉड x कैसा होगा, माइनस x जैसा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x माइनस x, तो ये हो गया कितना वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू एक्स। सिंस x नेगेटिव नंबर है इसलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब x इज लेस देन जीरो के लिए फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है रियल भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू x लेस देन जीरो। x लेस देन जीरो का मतलब ये होता है नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे जीरो, जीरो के इधर चलना है, जीरो को टच नहीं करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा नहीं है, ओपन इंटरवल है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि x की वैल्यू जो है जीरो से छोटा है, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ऑप्शन नंबर ए भी दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इसलिए इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ए और डी दोनों आंसर होगा, आप कोई भी एक टिक करके आएंगे आपका सही होगा ए या डी में से, मोर देन वन अगर होता तो शायद ऑप्शन ए और डी दोनों होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख के बता पाएंगे, x ग्रेटर देन जीरो के लिए जैसे ही देखा प्लस x होगा तो x माइनस एक्स जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आने की वजह से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड जैसे होगा तो फंक्शन का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसके डोमेन की क्या बात करनी है, तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, तो x लेस देन जीरो के लिए डिफाइंड है, मींस x के हर एक निगेटिव रियल नंबर के लिए, तो ये x की वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगी।